नमस्कार, धर्मकथाएं.com के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के साथ भगवान महाकाल के रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। यूं तो इस मंदिर में कई रहस्य हैं, यहाँ भक्तों का तांता भी लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भगवान महाकाल की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव की 12 रश्मियों से प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी, उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से ही निर्मित हुए थे। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बाबा महाकाल की सृष्टि की बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं ही प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ही है। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्राचीन काल से प्रचलित है, जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई राजा इस शहर में एक रात अगर गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ जाती थी। इस वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने भी अपना महल बनवाया था। उस समय सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में काली देह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं ठहरते हैं। साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बाबा महाकाल की नगरी में रात के समय नहीं रुकते हैं। यह कथा आज के जमाने में भी उसी तरह सच है जिस तरह प्राचीन काल में मानी जाती थी। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही है। जय श्री महाकालेश्वर भगवान की। दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारा धार्मिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको नए धार्मिक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।